हरियाणा की टीचर भर्ती से संबंधित विशेषकर जेबीटी से रिलेटेड बड़ी खबर है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, जरूर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हरियाणा के 2012 जेबीटी भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हरियाणा सरकार का रिक्त पदों पर एडजस्ट करने का फैसला मनमान ने था। 2013 में एचटेट पास करने वाले नियुक्ति टीचर्स बाहर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2013 में जो एचटेट पास करने वाले जो नियुक्त हुए हैं टीचर, उन्हें बाहर करने का फैसला हाईकोर्ट ने किया है। ये देखिएगा, हरियाणा के 2012 में विज्ञापित जेबीटी टीचर्स के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस चावला व जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने फैसला किया है कि विज्ञापन में आवेदन की आखिरी तारीख यानी कट ऑफ डेट में जो उम्मीदवार योग्यता पूरी करते थे, उनमें से चयनित उम्मीदवार ही नियुक्ति के योग्य हैं। खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पदों पर कट ऑफ डेट के बाद वाले उम्मीदवारों को एडजस्ट करने का हरियाणा सरकार का फैसला मनमाना था। खंडपीठ ने कहा कि पहले चयनित सूची के उम्मीदवारों की ही नियुक्ति मिलेगी, अगर कोई पद रिक्त रहता है तो पहली सूची के वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को ऑफर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है, जिसके कारण 2013 में एचटेट पास करने वाले जो नियुक्त हुए थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। लगे हुए टीचर्स भी जो है हाईकोर्ट के आदेश अनुसार हटाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने यू बताया सरकार का फैसला। खंडपीठ का यह आदेश सोमवार 1 अगस्त 2022 को सार्वजनिक हुआ। आदेश में खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के फैसले को मनमाना यू करार दिया। आदेश में लिखा कि पीआरटी जेबीटी के 9,870 पद विज्ञापित हुए थे। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2012 थी। अन्य योग्यताओं के साथ साथ एचटेट पास करना भी आवश्यक था। वर्ष 2012 में एचटेट परीक्षा नहीं हुई थी, यह परीक्षा 2013 में आयोजित हुई थी। इसमें से कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आधार पर राहत लेने की मांग की। 2012 में परीक्षा नहीं हुई थी, तब अंतरिम आदेश में प्रोविजनल तौर पर आवेदन करने और बाद में चयन प्रक्रिया करने के आदेश दिए गए थे। कट ऑफ डेट तक के उम्मीदवारों में से चयन एजेंसी हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड 20 अगस्त 2014 को 9,455 उम्मीदवारों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी थी। इसके साथ वेटिंग सूची भी थी। वैज्ञानिक जांच लंबित होने के कारण इन चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। इसी बीच हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक पत्र लिखा है जिसमें पीआरटी टीचर्स के पद रिक्त पड़े हैं, अगर हाईकोर्ट अनुमति दे तो प्रदेश सरकार उन उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की इच्छुक है जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद यानी 8 दिसंबर 2012 के बाद एचटेट 2013 में पास किया था, उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों के अंक पहले प्राप्त हो चुके हैं 9,455 उम्मीदवारों के बराबर या ज़्यादा होंगे, विभाग के पास याचिकाओं के दावे पर विचार करने के लिए पीआरटी के काफ़ी पद रिक्त हैं। इस तरह याचिकाकर्ताओं और पहले से चयनित उम्मीदवारों के दावों पर निपटान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी और बाद में एक और सूची जारी कर दी। इस प्रकार 9,870 पदों के विरुद्ध 12,732 उम्मीदवारों की सिफारिश कर दी गई, जिनमें 1,044 वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवार शामिल थे। 3 महीने के भीतर पूरा वेतन दिया जाएगा, ये भी बात उन्होंने बोली है। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 3,000 के करीब जो है जेबीटी टीचर्स को बड़ा झटका लगा है और ये अब बाहर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।